जिसके अंदर सर्किट क्या है, जल्दी बताओ। बोलो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डेड क्लास किस किस को समझ में आई, जल्दी बताओ। पावर कौन कौन चेक कर सकता है पूरी तरीके से, सीपीयू कौन कौन चेक कर सकता है, एमएमसी के पूरे वोल्टेज कौन कौन चेक कर सकता है। हेलो, अब हमारे पास ये सेट है, सबसे पहले हम इसके अंदर चेक करेंगे क्या कि ये सेट कोई ऑटो रीडिंग तो नहीं ले रहा, नोटिस करो, क्योंकि सेट हमारा अगर ऑटो रीडिंग ले रहा है तो हम उस हिसाब से काम करेंगे। तो हम इस सेट का से प्लस माइनस उठाते हैं, ये हमारा बी बैट है, इसके अंदर में सबसे पहले हम चेक करेंगे कोई ऑटो रीडिंग तो नहीं ले रहा है, यहाँ तो को देखो कोई ऑटो रीडिंग नहीं ले रहा है, ये ग्राउंड के साथ है, ये ग्राउंड है हमारा, ये ऑटो रीडिंग नहीं ले रहा है, इसका मतलब सेट में। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा, अब हम डीसी मशीन से भी चेक कर सकते हैं, हेलो, पर हम डीसी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसके लिए प्लस माइनस लगाना पड़ेगा और हमें ये वाला कनेक्टर हमारे इसमें नहीं है, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं, खैर, पर हम डीसी चेक नहीं करेंगे, पर हम कर सकते हैं डीसी चेक, पर हम डायरेक्ट जाएंगे, पर कर लेते हैं, चलो डीसी चेक भी कर लेते हैं सैमसंग में, क्या लाओ जरा केबल लाओ बस, और इसको लगाते हैं इसमें, सबसे पहले इसका प्लस माइनस जानते हैं, तो इसका प्लस माइनस आने इसका इसका टेस्ट पॉइंट यही दिखाई देगा यहाँ पर, तो सीधा इस पर जंपड़ी मारेंगे। अब इसकी रीडिंग निकालेंगे, ये हमने जोड़ दिया, ये अब तुम इधर टच करो, अब इधर टच करेंगे, देखो अब हमने इधर किया, यहाँ दिखाओ कहाँ टच कर रहे हो, नीचे करो जहाँ पे, इसका मतलब अभी फिलहाल कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब हम पावर की को दबाएंगे, हटाओ सर, अब हम पावर, अब यहाँ पे टच करो, कहीं भी ग्राउंड पे टच करो, अब हम एक ट्यूजन लेंगे और पावर की को शॉर्ट करेंगे इस तरीके से, तो देखेंगे ये सेट हमें कहाँ तक जा रहा है, तो नोटिस करो ये सेट जा रहा है 30-29 तक, कहां तक चली बताओ, यस सर, हेलो, यस सर, किसको पार नहीं कर रहा है, किसको ये सेट क्या नहीं बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा, ये किस किस को क्लियर है, इसमें क्या एक्टिव नहीं है अभी, सीपीयू, क्योंकि पोर्ट कौन बनाता है, सीपीयू, पर क्योंकि ये 29 ले रहा है, हेलो, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि पावर एक्टिव है, क्योंकि अगर ये बोलो 10 से नीचे हो तो फिर पावर को भी चेक करना है, हेलो, तो मेरा अंदाजा ये है कि 20 मिली एम्पियर, बोलो 20 मिली एम्पियर पावर ओके, 50 मिली एम्पियर, हेलो, पोर्ट बनता है, क्या बनता है, बग ओके, क्या ओके, हर यहाँ पे हम देख सकते हैं, हो सकता है पावर ओके है पर बग बंद नहीं रहा, हेलो, या ये भी हो सकता है कि सीपीयू ड्राई हो, हेलो, ये हो सकता है ना भाई, आप चेक करें, तो अब हम क्या करेंगे, ये भी रुक जा मत खींच रहे, अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चार्जर लगाएंगे, क्या लगाएंगे चलिए, और पूरे वोल्टेज चेक करेंगे, हेलो, मुझे बताओ ये सेट कौन से पावर का, चलिए बताओ, एसपीडी का पावर आप में से कौन कौन चेक कर लेगा, चलिए बताओ, एक एक चीज बताइए भाई, अगर बक नहीं भी आया तो भी कौन कौन बताने का पावर रोके है, चलिए बताओ कि पावर को चेंज करने की जरूरत, हाँ, तो अभी हम यहाँ पर काम करते हैं, ये हटाओ जरा एमडी सर, ये हटाओ, देखो इस सेट के अंदर अभिनेश, अविनाश कौन है ये, चलिए तुम्हारा अब ये एसपीडी का सेट है, अब हम सबसे पहले चार्जर लगाएंगे और पूरा अच्छे से चेक, मिटाओ अविनाश को, मिटाओ जल्दी, पहले हम इसमें
क्या चेक करे जल्दी बताओ विपास क्या ओके सी 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 हेलो यस सर बताओ दूसरे नंबर पे हम क्या चर्चा कर रहे हैं कल लोग एसपीडी खोलो अभी आपको बताया सारे खोलो बी बैड कोई दिक्कत नहीं हमें करंटली याद नहीं रहेगा खोल के बैठो बी बैड बी बैड बी बैड चार बोल चार बोल क्या ओके क्या चेक करे पावर की लाइन ओके पावर ओके नहीं हेलो पावर लाइन ओके पावर की लाइन ओके अब उसके बाद में क्या चेक करे हाँ बोलो और यहाँ पर क्योंकि एसपीडी में कितना आएगा और उसके बाद वीआरटीसी की जगह पे और एक और चीज और चेक कर सकते हैं क्रिस्टल बोलो क्या चेक कर सकते हैं बट अब उससे पहले हम एक बार क्या चेक कर रहे हैं चलो चेक करते हैं आप नोटिस करते पर पहले ये हम इतना चेक करते हैं कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है फिर हम इसके बाद में जाते हैं देखो चार्जर दो साहब चार्जर लगाया पहले हम चेक करेंगे बीबस ब्लू बीबस बताइए ये चमकना नहीं चाहिए नहीं तो वो दिखता नहीं है बस हो गया बताओ ओके आप बताओ क्या ओके है अब इसके बाद में क्या चेक करूं अब इसके बाद क्या चेक करूं पावर की लाइन अब इसके बाद क्या चेक करूं वीआरटीसी हमने इसमें ढूंढा है हेलो यस सर हमने इसमें ढूंढा है तो अगर मैं ये आ जाओ भाई आ जाओ हमने इसमें ढूंढा है अब मैं ये जानना चाहता हूं वीआरटीसी हम वापस नहीं ढूंढेंगे हेलो यस सर कौन कौन ढूंढ लेगा आप में से सब ढूंढ लेंगे ना यस सर तो हमने ढूंढा ना ये कैपेसिटर हेलो हमारे पास सेम एक और ही एक जैसा बोर्ड था जिसमें हम काम कर रहे थे तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे 1.8 बोलो 1.8 मतलब पावर ओके अब अगर हमें मान लो इसमें ढूंढना होता तो हम इसमें कैसे ढूंढते तो वीआरटीसी का गेम ये है ये हो गया 803 अब इसके अंदर तो सीन क्या है कि आपके पास में कुछ भी नहीं है सर डायग्राम नहीं है बिटमैप है खाली और हार्डवेयर सॉल्यूशन में कुछ मिलता नहीं है डेड में कुछ नहीं मिलता सिंपल सी बात है डेड फोन में आपके पास कुछ नहीं है तो ये A03 के अंदर बिटमैप है खाली अब यहाँ पर हमें इसके अंदर डाटा मिल जाना चाहिए नहीं तो हमें इसका डाटा निकालना आता है हेलो yes, हमने इसका डाटा निकाल के रखा हुआ ना यहाँ पर आरटीसी कौन से नंबर पे यहाँ पर हम जाएंगे और J2 के इधर हम अंदर जाएंगे और आरटीसी देखेंगे तो यहाँ पर हमें आरटीसी हमें देखना चाहिए ये देखो ये दिखाई दे रहा है हमें तो यहाँ पर हमारे को वोल्टेज बनना चाहिए हेलो इसका मतलब हमारी पावर ओके अब इसके बाद हमें चेक करना है इसके कॉइल क्या चेक करना है इसके अब देखो इसके कॉइल का थोड़ा समझो कि क्या कंट्रोलिंग है तो सबसे पहले ये हटा दो तो एसपीडी में टोटल कितने कॉइल दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर बताओ देखकर पांच चलो फिर से बोलो एक को छोड़कर क्या चाहिए चलो एक क्यू नेटवर्क तो हम क्योंकि हमारे पास बिटमैप है तो हम सबको टच करके यही
यहीं से देख लेते हैं कि नेटवर्क का कौन सा है, जो पीएफओ पर जाएगा जो नेटवर्क का होगा चेक करो। सबसे आखिरी आपने में जैसे ये वाला आईसी के अंदर और वापस आईसी के अंदर, मतलब एलडीओ एलडीओ, वेरी गुड। ये वाला इधर और ये जाना जा रहा है दुनिया के सारे सेटों में है, क्योंकि ये जा रहा है 1.8 बोलो 1.8 मतलब VIO। तो इस सेट में ला भाई पा ये नाम दो एसपीडी बोलो एससी एससी 27 जी। तो पहला कॉइल तो क्या हो रहा है अंदर, तो वो क्या के लिए जा रहा है एलडीओ, वहां वोल्टेज देखेंगे। दूसरा कॉइल हमारा, दूसरा जो कॉइल है वो हमारा जा रहा है, वो क्या बना रहा है जल्दी बताओ, सब जगह जा रहा है एमएमसी के 1.8 वोल्टेज में सब जगह। ये देखो यहाँ पर एमएमसी के अंदर, सीपीयू के अंदर, आपकी बीक्यू के अंदर, हर जगह जा रहा है, जहां जहां बीआईओ आपको जहां मिलना चाहिए ये कर आपके आई टू सी के पुल अप रजिस्टर में सब जगह जहां 1.8 है। तो यहाँ पर हमको मिलना चाहिए 1.8, यहाँ पर क्या मिलना चाहिए बोलो एलडीओ 1.8। अब ये देखते हैं ये और ये तीन, तो जान दो ये वाला जा रहा है आईसी के अंदर स्विचिंग कर रहा है, और ये जा रहा है सीपीयू के अंदर, किधर जा रहा है सीपीयू के अंदर बोलो सीपीयू के अंदर। और यहाँ लिखा हुआ है वीडीडी आर्म, क्या लिखा हुआ है तो ये है कोड का, किसका जल्दी बताओ, ये किधर जा रहा है जल्दी बताओ, इधर हमें मिलना चाहिए कितना वोल्टेज। तो ये एक हो गया हमारा एलडीओ, एक हो गया वीआईओ, और एक हो गया कोड लिख दे, हेलो आम लिख दो कोड लिख दो, बात एक ही है। अब इसके बाद ये जा रहा है वीडीडी कोर, एक और मिला है हमें, तो ये भी जा रहा है सीपीयू में, किधर जा रहा है सीपीयू में, मतलब ये वाला और ये दोनों हमारे कहां जा रहे हैं सीपीयू में 1.8 एलडीओ एलडीओ। अब बच्चा ये तो ये होगा नेटवर्क का, किसका नेटवर्क का, तो इधर भी 0.9 और ये भी हमारे क्या हो गए कोर। अब ये हमारा जाना चाहिए नेटवर्क के 28, 29, 30 कौन से पीएफओ पर, 4G क्या सप्लाई बोलते हैं इसको एसपीडी में बोलो एसपीडी में डब्ल्यूपीए डब्ल्यूपीए हेलो क्या बोलेंगे डब्ल्यूपीए। ये देखो डब्ल्यूपीए, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप डाइन डाल दोगे क्या लिखा हुआ है डब्ल्यूपीए, और ये देखो ये कहाँ जा रहा है 4G। तो सर अब तुम्हारा वोल्टेज क्लियर है, क्लियर है सर, मुझे बताओ एलडीओ एलडीओ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए 1.8 सब जगह, हेलो 0.9 चलो देखो। तो इस कॉइल का इस कैपेसिटर में देखेंगे, और हम यहाँ पर टच करके भी देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, ये कैपेसिटर का ये कैपेसिटर में। तो यहाँ पर हम लगाएंगे चार्जर, दो भाई आ रहा है हेलो yes. yes, मतलब ये कॉइल ओके okay. ये वाला देखो 1.8 बोलो 1.9 बोलो 0.9 नहीं है नो सर नहीं है आ रहा सर। ये वाला देखो आ रहा है yes, sir. और ये तो आएगा नहीं, नहीं। मतलब हमारा इसके अंदर क्या हो रहा है, एक कॉइल वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो क्या करें, पावर बदले कॉइल बदले सीपीयू इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि बाकी सब पर आ रहा है, क्योंकि रुकता तो सभी रुकता ना, मतलब हम यहाँ पे क्या उठाएं फिर उसके बाद सीपीयू उठाएंगे हेलो। चलो देखते हैं। अच्छा इसकी अगर हम और वोल्टेज स्टेबल हो रहा है yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब सीपीयू तो ओके okay. okay.
अब पहले हम देखेंगे कि दोनों वो जी आर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये भी आ रहा है, लो जी आ रहे हैं ना, शॉर्ट तो नहीं है ना ये। अब हम किसी बोर्ड से एक कॉइल उठाएंगे, कोड वाला, कौन सा वाला जल्दी बताओ, मतलब लोअर एलडीओ हाई एलडीओ को इसलिए छोड़ के क्योंकि हाई एलडीओ लोअर एलडीओ का जो कॉइल है 2.2 बाकी कॉइल 0.47 जोड़ी नहीं है, साइज एक ही हो बस, टच होना चाहिए, नहीं तो कोई और उठाएंगे क्योंकि अभी0.60 ले लिया है इसने एमएमसी वाला रीडिंग और चेक करेंगे। कॉइल पे वोल्टेज चेक करेंगे, देखो भाई और 0.60 ही है, अभी 1 पे जाना चाहिए। अभी ये वोल्टेज चेक करते हैं, देखो वोल्टेज कितना बन रहा है 1.1, मतलब वोल्टेज आ गया यहाँ पर। जो एक वेट की हम इस पे ये कर सकते हैं कि हम कॉइल को और एक चेंज करेंगे क्योंकि 2 हेनरी लगती है इसमें पावर के बक में, एक लगता है 0.47 और एक लगता है 1 माइक्रो। तो हमने अभी अंदाजे से हिसाब से एक लगा दिए, अब हम एक दूसरा भी लगाएंगे हेलो, क्योंकि दोनों ही कॉइलों का दोनों वोल्टेज अलग होता है। ये 1.1 निकाल रहा है, हो सकता है वो 0.9 निकाल दे, हेलो। फिर भी हम इसको फिर से एक बार लगा के फिर से एक बार चेक करेंगे क्या कंडीशन। ठीक है ना, लगा, मैं थोड़ा सा बोर्ड को और क्लीन कर दूं। ग्रस देना भाई,
लाइट सेक्शन लगाया 6 लाख वाला इसके अंदर। तो हमारे साथ है 28 अगस्त की बैच। यस सर। आज कौन सा दिन है हमारा? तीसरा दिन। बोला ही। तीसरा दिन मतलब पावर। किस किसने डन किया? पावर डन सबने? यस सर। सभी ने? यस सर। सभी ने? यस सर। एशिया टेलीकॉम बोलता है तीसरे दिन पावर मतलब पावर। यस सर। सबका डन होता है? यस सर। चलिए ठीक है। एशिया टेलीकॉम मतलब? एशिया टेलीकॉम मतलब? हमारे साथ है 28 अगस्त की बैच। यस सर। कौन कौन लाइव है? हम सब लाइव है। सब लाइव है? यस सर। तो भाई 10:30 बज रही है और हम क्या करके उठे हैं अभी? सीपीयू रिबाउंड। सीपीयू माउंट रिबाउंड। माउंट रिबाउंड किस किस ने करा है? हम सब ने। सबने किया है? यस सर। तो चलिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। यस सर। कल आपके साथ सर्किट की क्लास है देव सर के साथ, तो एक बार क्लिपिंग बनती है सर के साथ। यस सर। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है बापन खांडेकर और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था। आज तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था, मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है। तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। तो मैं चलो मैं एक चीज इंस्टीट्यूट की तरफ से एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया। जी जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा। ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और एमडी सर का और देव सर का। चलिए ठीक है। मेरा नाम सावन जावेद, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके। मेरे हाथ में जैसे आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिला है। मैं करने एंड्रॉइड आया था। एंड्रॉइड का आया था और मेरे को आईफोन का कोर्स है गिफ्ट मिल गया और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब मोबाइल रिपेयरिंग और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। सर मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था। देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं इसे टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिल गया है और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, एमडी सर का बहुत बहुत बड़े धन्यवाद। एक क्लिपिंग हो जाए सर के लिए, बहुत शुक्रिया हमने। दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल टेक्नीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो
और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से